तो तुलसीराम भी बोलते थे अरे छोड़ दे छोड़ दे सूरदास नकली को सुनता बहुत कौने कर अरे भाई बंधन नहीं है उसमें बाधा नहीं है उसको पकड़ा दे वो भी कहता अरे भाई बंधन नहीं छोड़े केवल प्रभावी जमा खर्च दे कोई कह छोड़ दे तो अंदर काम दे आगे रहते भगवान सुन बिना त्याग के अमृत की प्राप्ति नहीं माने वो स्वर्ग में मिलता है अच्छा उसी को भी मान लो तो जब तक यहाँ यज्ञ नहीं करोगे दान नहीं करोगे धन नहीं करोगे तब तक कैसे मिलेगा अमृत माने वो परमात्मा की प्राप्ति ईसा वास यदि संपूर्ण विश्व को ईश्वर भाव से आच्छादित करना चाहते हो दुनिया न दिख रहे ईश्वर दिख रहे जो जो ईश्वर से अतिरिक्त है उसको तो पकड़ रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा जे नाम दास करो नामदास जिस वस्तु से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी जिस धन से जिस ज्ञान से जिस तप से तो लेकर क्या करेंगे प्रयोजन को आखिर इसलिए बिना आचार के गर्भ सकते नहीं
तो राजा ने कहा कि उसने इसलिए चढ़ाई की है राज्य के लिए, महाराज राजपाठ क्या होगा, कल तो बड़ा मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, मुकुट मिल जाएगी। अरे भाई तो राज्य ऐश्वर्य प्राप्त करने में लड़ाई करेंगे तो लोग मरेंगे भी तो मरेंगे तो जरूर महाराज, उसके पक्ष से भी मरेंगे, हमारे पक्ष से भी मरेंगे, होगा बहुत बड़ा। बोले मन के लिए राज्य के लिए खराब होगा। अरे बाबा तो उसके पास खबर भेज दो कि वो राजा हो जाए, लोगों को मारे, एक फूट भी खूब नहीं करना चाहिए और राज्य दे दे, हमको भगवान का मदद करता है, हमको राज्य में क्या करना है। और महाराज समाचार गई, वो राजा आया, राजधानी में राज्य हो गया, सारा देश लोगों ने कहा कि महाराज आप भाग चलो यहां से, नहीं तो शायद मारा। बोले बात क्या है, चिंता रहेंगे और दुनिया तो दिखाई पड़ेगी और बस जाएंगे तो भगवान मिले, हम मरने वाले का कोई डर नहीं है, हमको इच्छा मटन नहीं पूरे। अब वो गांव हो गया दुश्मन का, राज्य हो गया दुश्मन का, वहीं उसी नगरी में रहे, उसी राजधानी में अपनी इच्छा मटन होती मानता है और वो मंदिर को पेट के नीचे बैठ के भजन करे, नहीं हो जाए जीने की बात था और भोगने की बात और दुनिया भर की बात जानने की बात, ये आदमी को बहुत तकलीफ देती है। कश्यापि तात अन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जिज्ञासा बुभुक्षा च बुभुक्षोपशमं गता। वो धन्य है मनुष्य जो दुनियादारी का रहस्य समझते, जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा और दुनिया भर की बात जानने की इच्छा छोड़ के अपने आप विशाल धन्य है। अब महाराज उनका मरना तो दूर रहा, जिसने राज्य प्राप्त किया था वही मर गया, थोड़े दिनों के बाद अपने आप वही मर गया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं हो, किसी की नसीहत लिखवाते हैं, उत्तराधिकार में लिखवाते हैं, जिससे लिखवाते हैं वो तो जिंदे लिखता है, लिखवाने वाले पर एक घर के लोग बताते हैं कि हमारे घर में जो मिनिस्टर होता है वहां से दस पांच दिन तो बिखरे कि हमारे घर में जो जो मिनिस्टर हुआ तो उनके घर में मिनिस्टर सर्दी है। अब राजा मर गया, मर गया तो जब तो फिर बना के गया था मंदिर लेके गए किसी का हुआ कि उस समय जैसी रिवाज थी तो उस राज्य में सबसे बड़ा हाथी था प्रेत वर्ग का, उसके सूंड में माला दे गई। अब जिसको अपनी मालो माला पहना दे वही राजा बनेगा। अब वो ले के महाराज सूंड में माला उठा के आते और घूमने लगा राजधानी में, घूमते घूमते देखा महाराज बैठे हैं पेड़ के नीचे और भजन कर रहे हैं, ध्यान मगर रहे, उठा के उन्हीं के गले में फिर से माला पहना दे। उन्होंने कहा महाराज जी क्या करेंगे,
बोले नहीं पड़े जब भगवान ने कहा कि निकल जाओ तो निकल जाए, आप कहते हैं फिर राज्य करो तो राज्य को देखते आत्मा हम पारे था अपने को बचाओ त्याग के द्वारा, त्याग के द्वारा अपने को बचाओ। देखो त्याग में स्वतंत्रता और ग्रहण में है पराधीनता। किसी चीज को लेने में, रखने में, बनाने में, उसकी रक्षा करने में हम पराधीन होते हैं और किसी वस्तु का त्याग कर देने में हम स्वाधीन होते हैं। स्वातंत्र परम सुख, स्वतंत्रता परम सुख। मनु जी ने कहा है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुखदुःखयो। सुख दुख का संशय में सुख दुख का संक्षेप में लक्षण क्या है, पहचान कर कैसे पहचाने कि ये सुख है और कैसे पहचाने कि ये दुख है। तो जहां मजबूरी है, जहां परवशता है, जहां पराधीनता है, वो चाहे कुछ भी क्यों न हो दुख है। सर्वम परवशम दुखम मनुजी प्रश्न, सर्वम आत्मवशम सुखम, जहां हम स्वतंत्र हैं सुख एक अद्वितीया समाज से लक्षण थोड़े दिन समझ लो अपना सुख और दुख। एक ने हमको बताया कि महाराज हमारे माँ बाप को पर तब तक टोकते रहते, हम कब तक उनकी गुजर करते हैं छोड़ देंगे। एक चेले ने बताया कि गुरु जी महाराज कौन से कभी खुश होने वाले, ये तो कुछ न कुछ गलती बताते थे। अब गुरु तो कहते ही उसी को है जो गुजराता है। हर बात को देश की हर बात ये बात करो ये गुरु लोग जो है वो अपने चेले को ब्रह्म मान करके कभी बात नहीं, जब बात करेंगे तो उसको जीव मान के करेंगे और जब जीव मान के करेंगे तो पाप छोड़े की कल्पना करेंगे और पाप छोड़े की कल्पना करेंगे तो बेचारा कभी मुक्त को होते हैं। इसलिए अंत में गुरु जी को छोड़ने पड़े। जब तक चेला कहता है कि हे गुरु जी जब तक तुम हमको ब्रह्म मानते बराबर की बात नहीं करते तो मैं सबको गौतम छोड़ता, तब तक हम हुए चेले कहां हैं। तो पराधीनता जो है वो चाहे किसी भी चीज हो वो अपने को खटकती है। तो जीवन के निर्माण का जहां तक प्रश्न है, आचार धर्म संस्कृति का अनुकरण करने के लिए माता पिता पितामह और ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु से प्राप्त करना, उपासना ध्यान योग गुरु से तो कैसे जाना। तब जो साधन छोड़ दे जब पहले शादी साधन करके पूजा
देव प्रश्न करो शंकर जी के पास जाओ तो पैर बना देंगे। विष्णु भगवान के पास जाओगे तो गरुड़ बना लेंगे और क्या करेंगे, सबसे ऊंचा पद उनके पास कर देंगे। और सूर्य भगवान के पास जाओगे तो घोड़ा बना देंगे, इंद्र के पास जाओगे तो हाथी बना देंगे, देव पशु हो जाओगे तो जाओ। देव पशु भी पढ़ना लोगे तो उसको लिखा होगा ये करो ये मत करो। उनके पास कोई कुरान शरीफ ले गया तो देखो देवला इसमें लिखा है कि नमाज मत पढ़ो। अब महाराज पढ़ने पर खंड से हाथ रखा कि कुछ विदय नहीं है लेकर नमाज मत पढ़ो, तो मुसलमान बहुत घबराए और भी साथ उन्होंने कहा भाई का हाथ तो हटा, जब हाथ हटाया तो उसने देखा था कि नमाज मत पढ़ो घर आपा को आप पवित्र दशा में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, तो गर्भ नापाक को उसने कर दिया और नमाज न पढ़ो लिखा दे। ये पंडित लोग भी जो दोनों का अर्थ करते हैं पूरा उसने अपना पक्ष रख के अर्थ कर एक ही पंडित से पूछो, छोटे मोटे पंडित की बात नहीं बोलते हैं। वाचस्पति मिश्र से ही पूछो तो जब न्याय की व्याख्या करेंगे तो कहेंगे प्रमाण जा रहे हैं तीन से काम नहीं चल सकता, और जब शांति की व्याख्या करेंगे तो कहेंगे प्रमाण तीन नहीं है चार की जरूरत नहीं है। हम उनकी किताब की बात जो लिखी है इसको बोल रहे हैं, और जब वही मीमांसा की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं प्रमाण छह है, न तीन से काम चलेगा चार से न दो से न एक से छह। तो पंडित लोग महाराज जब जिस पक्ष को लेकर के व्याख्या करते हैं और हमारी बुद्धि को गड़बड़ा देते हैं, और तब उनके मन में सही पक्ष सूझ जाए कब वैष्णव पक्ष सूझ जाए और कब जाए कब मीमांसा कब वेदा पक्षी हो जाते हैं। एक देवता एक मन एक वातावरण तत्व एक गुरु से सीख के रास्ते से चल हो उस पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां से सत्य देखता है। जब उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे सत्य का दर्शन होगा तो ठंडा मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। अन्न को त्याग हो तो प्राण में बेहतर हो, प्राण में को त्याग हो तो मन में बेहतर हो। चेतना ही रहित लंघन आत्मा त्यक्तो परम पदम, जो त्याग करता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे ही वही कल लक्ष्यम क्यों दूसरे को छोड़ते चलो छोड़ते चलो छोड़ते चलो, कोई एक चीज ऐसी रह जाएगी जिसको तुम नहीं छोड़ सकते वो त्यक्ता का त्याग करने वाले का प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप पर है। अपने आप को कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता है, सब कुछ छोड़ देगा लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ सकता, वही त्याग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। त्यागे नहीं के अमृत प्रमाण सुख न कर्मणा न प्रजया धने न
त्यागी देखे बहुत कर्म करने से वो नहीं मिलता, बहुत बच्चे पैदा करने से वो नहीं मिलता, बहुत धन इकट्ठा करने से वो नहीं मिलता। गजे नाजीना आपकी क्या करेगा, थोड़ा क्या करेगा। किम्बा धने नाम धन इकट्ठा करके क्या करोगे। ब्राह्मण जो मनुष्य किम्बा धने नाजिस्ते किंवा दारी ब्राह्मण जो मनुष्य। अरे ब्राह्मण एक दिन तुझे मरना है, किंवा धने न होते धन क्या करे किसका मारे, हाथी घोड़े किसका मारे, ये स्त्रियां किसका मारेंगे, मौत तुम्हारे से आत्मा अंबित सुहाम प्रविष्ट पिता महास्ते मगता पिता च हाथी घोड़े स्त्री सब है तुम्हारे पास, लेकिन तुम अपने को खो बैठे हो। आत्मान मनुष्य अपने आप को ढूंढो, कहां ढूंढे अपने हृदय में ढूंढो। नहीं हम नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे बाप दादा मर गए बिना परमेश्वर को प्राप्त किए से, वैसे तुम भी जाओगे जाना तो ऐसे नहीं पड़ेगा। पिता महास्ते स्वगता पिता उसी अंधकार में, न तुमको मालूम है न उनको मालूम था, उसी घोर अंधकार में जाना पड़ेगा। अंधे तपता हास्ते प्रेतिया जरा तुमने अपना खून किया, खुद कोशिश की है, अपने आप को तुमने बुला दिया, तो त्याग से मिलेगा। थोड़े थोड़े त्याग से बदलता है, तुम्हारे को मुझे इतना खुशी रुपये उनके ऊपर धाकू लोग कई बार डाकू को पड़े, कई बार पीटे हैं, हाल में कहीं से 20,000 रुपया ले जाते हैं, ऐसे झूला में रख देते हैं, पैदल चलते हैं और कहीं पता लग गया ले लिया डाकू ने मारा, तो ऐसे खराक है। 2,000 रुपया ऊपर उसके नीचे 4,000 रुपया 1,000 रुपया जोड़े हुए अलग अलग करते। अब वो बता जब डाकुओं ने घेर लिया आगे आगे डाकुओं ने पीछा किया, तो 2,000 रुपये वाली जो गर्दी थी उसको निकाल कर छीप लिया, बिल्कुल ले गया। अब जब डाकू उठाने लगे 18,000 ने जो भाग गए, 2,000 के त्याग ने, 2,000 के त्याग ने उनके 18,000 भी बचा दिए और उनकी जान भी बचा दी। त्याग में सहमत है, हम लोग उनको दुर्गाता जी बोलते हैं, हम लोगों ने उनका नाम दुर्गाता जी रखा है। पर तुम नहीं जानते हर कर्म और नहीं करवा दे, बड़े बड़े जगह बड़े जगह के लिए वृद्ध है वर्ष के ऊपर, लेकिन अभी वो ऐसी त्याग किए बिना किसी को शांति। आपने वो कथा कई बार सुनी हो, मैंने सुनाई हो, बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, बड़े बलिदान से बना, उन्होंने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पढ़ी, मुर्दे को बुलाने वाले शुक्राचार्य की दृष्टि ने कहा
शिक्षा से तुम देव गुरु के पुत्र हो और मैं जैसे गुरु के पुत्र हूँ। आओ हम तुम दोनों ध्यान कर ले, विवाह हो जाए हम दोनों का। कच्छ ने कहा कि बृहस्पति तो हमारे पिता नहीं है, पर विद्या दान करने के कारण शुक्राचार्य भी हमारे पिता है। तुम तो हमारी बहन हो गई, अब हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। ये हमको पुराने जमाने की बात है। अब तो भाई बहन का जो पार्ट होता है विश्वविद्यालय में कॉलेजों में, और राखी बांधने से शुरू करता है महाराज, और दुनिया के सामने रहते हैं भाई बहन, और अकेले में हो जाते हैं यार यार। तो सुनते हैं बताते हैं लालदा भाई बहन जो है, लालदा बहन लालदा भाई, कुछ दिन में ये बात की थी, कर्म से मना कर दिया, हम अपने गुरु पुत्री से विवाह नहीं करेंगे। साथ दे तो वो जब विद्या पढ़ करके अपने घर में बढ़ते, तो विद्या का बड़ा भारी अभिमान था। ये कथा भी जो कर बड़ा भारी अपमान, मेरे विद्वान विद्वान और क्या, ये जन्म श्रुत जन्म स्वर्ग श्रुत श्री एक मान भगवान नैवार अत्यधिधा मुंबई वाह गुरुजन अपनी कुलीलता का अपमान होता है। बड़े अच्छे खानदान में अपनी कुर्सी का अपमान होता है, भारत खर्च के मंत्री भी अपने को प्रधानमंत्री लिखने को मिलते, वो मंत्री नहीं लिखते, हम प्रधानमंत्री हैं। भारत दादा समाज के प्रधानमंत्री हों स्वामी हरनारायण आनंद, ये कुर्सी ऐश्वर्य का आरोप है हमारे हाथ में, जिनके इतने लोग और विद्या का हमारे सामने कौन पंडित है। एक पंडित बोलता है कि अगर तुम हमारी बात मान समझो, अरे आगे कोई पंडित होगा शायद तो बस सकते हैं, उत्पत्ति से देश की भवन को भी समान रहता कालो बेजम निरवध है त्रिपुरा पृथ्वी, धरती बहुत बड़ी है, शायद मेरे जैसा कोई पंडित हो कहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आज नहीं होगा तो संभव है काल को अनंत होता है भविष्य में, तो मेरे जैसा होगा इस समय तो मेरे जैसा कोई पंडित है। और एक पंडित बोलता मैं जो बोलता हूं वही, तर्कवान भी छिपी हुआ देवा योजयामक संस्था भानवान से पूर्वक तरण से एक पराधीन वृत्ते जिस रास्ते चलते हैं वही रास्ते दर्शन होता है वही उत्तर पूर्व दशोत्तर होता है दर्शन के उदर मैं जो बोलता हूँ व्याकरण जो बोलता हूँ मीमांसा जो करता हूँ तर्क जो बोलता हूँ मैं वेदा अभिमान बड़ा भारी लेकिन भगवान छूट जाते हैं सत्य छूट जाते हैं। सबसे बड़ा पर्दा जो आत्मा पर है सबसे सूक्ष्म पर्दा अभिमान का होता है और वो निर्भिमानता का भी अभिमान होता है। एक शेर आता था यही बंबई में तथा सुने थे तो महाराज आके जहां चूंके रखे जाते हैं वहां बैठ जाता इस आगे नहीं जाता चूंके में बैठ। मैंने एक दिन पूछा कि शेर जी
आपको बड़े शरीर है इतने बड़े शेष होते जितने भी बैठ जाते हैं वो सारे अभिमान ही है आगे जा जाकर बैठते हैं हमारा और मेरे अंदर कोई अभिमान हाँ जी कोई अभिमान नहीं है इसका अभिमान आप में है वो तो मैं अभिमान न होने का भी अभिमान और दूसरों को गाली देने पर का होता है जो किसी को अपने से नीच समझता है वो अभिमानी है अभिमान था और शादी कौन के बना कहती अपने पिता से नमस्कार है तो बृहस्पति ने पूछा कि क्यों बेटा तुम सारे शास्त्र पढ़ के आए हो तुमको शांति मिली तो देखने लगा उनके मुंह को पढ़ने से शांति का क्या संकल्प है पढ़ा लिखा काय कर जाता है पढ़ा बंदे को मिला लिखा पढ़ा तंत्र जाता है कोई शांति पाने के लिए थोड़ी पढ़ा जाता है तब पिताजी शांति तो नहीं मिली जब तक अपनी विद्या विद्या प्रदान विजय अभी तो तुम अपने बाप को भी नमस्कार नहीं करते हो अभिमान को लेकर के बैठे हो जब शांति नहीं मिली तो पढ़ना लिखना बेकार है एक पंडित जी थे आपको भी ले सकते हैं जब मुझे पढ़ते रहते कॉलेज में प्रोफेसर उसका नाम था पंडित बालगोल महाराज उनके परीक्षाओं की वजह से जो उन्होंने आकांत परीक्षा पास की थी आकांत और तीर्थ और रत्नाकर और क्या क्या तो उनकी जब लिस्ट बनती थी तो 20-25 शास्त्रों के आधार पर मान 20-25 परीक्षाओं से उन्होंने आकांत परीक्षा पास की थी और मोटे थे और मैथिल थे तो जब कहीं से निकलते ना तो हम लोग आपस में बोलते हैं परीक्षा पिछा लड़के तो एक आंख वाला लड़का आता तो हम लोग जपने लगते एक आना दो आना एक आना दो आना एक आना बस एक आना दो आना बचपन में सब बदमाशी तो करते शांति नहीं मिली तो पढ़ना क्या हुआ साविद्या का मुक्त है विद्या वो होती है जो संपूर्ण बंधनों से मुक्त करते सत्कर्म हरिदोषम जन साविद्या का मुक्त है कर्म वो कर्म है जिससे सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो विद्या वो विद्या है जिससे हम सारे बंधनों से मुक्त है तुरंत हाथ जोड़ा कहा पिताजी शांति कैसे मिलेगी बोले बेटा त्याग करो अब उसके पास जो कपड़े रखते थे वो भी चंदन था तब को लिया और दंड कमंडल को लिया और निकल गया एक वर्ष के बाद आया बृहस्पति ने पूछा बेटा शांति मिली नहीं मिली पिताजी कैसे मिलेगी त्याग करो तब उसने लंगोटी और दंड कमंडल भी पहन दिया निका हो गया और एक पर इसलिए बार बार वो छोड़ जाने अंत में उसने कहा कि पिताजी अब तो हमारे पास कुछ छोड़ने को बाकी नहीं है अब ये शरीर है मैं इसी का त्याग करता हूँ दो दिन सुधार बनाए और आदमी लगा के उसका प्रवेश कर देगा तब पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया बोले बेटा शरीर ज्ञान से भी शांति नहीं मिलेगी क्योंकि अशांति तो सूक्ष्म शरीर में रहती है मन में रहती है इसलिए शरीर त्याग करोगे तो फिर शरीर मिलेगा फिर अशांति आवेगी फिर शरीर मिलेगा फिर अशांति आवेगी आत्महत्या शांति मिलने का उपाय नहीं है तब उनके चरणों में पिताजी न
से शांति प्राप्त करने का उपाय क्या है। बृहस्पति बोले चित्त त्यागम विदुः सर्वत्यागम, तुम अपने चित्त को छोड़ो, अपने मन को मन को प्रकृति में डाल दो, मन को ईश्वर में डाल दो, मन को माया में डाल दो, मन को अविद्या में डाल दो, चित्त निर्मुक्त करो। चित्त के त्याग का नाम ही सर्वत्याग है, क्योंकि ये सारी जो सृष्टि है ये चित्त में ही निवास करती है, सृष्टि चित्तमय है और चित्त सृष्टिमय है। जब तक अपने मन को नहीं छोड़ोगे, ये मन की पूरी करने में तो सारी जिंदगी जाती है, और मन के मालिक नहीं है, मन के गुलाम है। इस बात गुलामी करने में ये बाजार में चीजें कहीं है, क्या क्या शोरूम बने देख के हम तो भूल जाते हैं। साथियों ने ऐसे ऐसे शोरूम बना रखे हैं। एक शोरूम में गया था मैं, वहां कहीं कपड़ा ही उठता जाए, नंगे हो जाए, कहीं घूम गधे की तरह हो जाए, शीशों का शोरूम, भगवान का भी शोरूम, सौ सौ मूर्ति भगवान की शोरूम में रखी हुई है, ये सब दुकाने, ये सब बाजार हमारे मन को विवश करने के लिए, मजबूत करने के लिए है, चमक चमक के दिखा दिखा के बेचा किया सिंगार है। बस अब हम लोगों को तय कर रहा, ये प्रश्न भागवत में शरद कुमार ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि मन विषयों का चिंतन करते करते विषय रूप हो गया है, और विषय हमारे मन में उसके मन रूप हो गए, चित्त रूप हो गए, हम त्याग कैसे करें, कथम अन्योन्य सं त्याग मुमुक्षो हो अतिशो, कैसे मुमुक्षु विशेष भाविशत चित्तम अभीक्षण गुण से रजा गुणश्च चित्त प्रभवा, कैसे हम त्याग करें, त्याग कैसे करें। बोले जी देखो ब्रह्मा जी से कुछ जवाब आया नहीं, तो वो लोग कर्म कांड लेते दुनिया में महाराज जो कर्म में लगे रहते हैं वो त्याग वाली बात को नहीं समझते हैं। देखो भाई बुराई सबसे बढ़िया तो है, तू बुराई है, तुम्हारी नजर में जो तुम्हारे अंदर बुराई है उसको छोड़ो, अच्छाई में भी जो अनावश्यक अच्छाई है लोगों को दिखाने के लिए उसको छोड़ो, और जो परमात्मा से मिलाने वाली अच्छाई है उसको, और जब परमात्मा मिल जाए तो उसको भी छोड़ो। खुद श्रृंगार करके अपनी सगाई होने दो, और खूब श्रृंगार करके बुराई मन के संक्रांत करो। लेकिन महाराज जब अपने पति से मिलना हो तब श्रृंगार को पता बिना निरावरण हुए, बिना निरावरण हुए कोई अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये चित्त की खोजी मन का आवरण, एक मन का पर्दा हुआ देखा, देख भगवान जी स्तर जाए और बोले देखो शरद कुमार मधुर को फिर मैं तुम मुझसे मिल जाओ, मेरा आवेदन कर लो, मुझसे एक हो जाओ, और ये मन और विषय दोनों को एक साथ फेंक दो, मधुरूप संघ उभयम त्यजे चित्तम विषयाश्च त्यजे, तो मुझसे एक हो जाओ और सब कुछ भागवत में ऐसा सीताराम बोलते हैं।